कृषि यीशु मसीह के नाम से मंडली आप सब लोगों को जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूं कि आप सब लोग सेफ एंड साउंड है, क्योंकि परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। आए वचन में जाने से पहले हम सब मिलकर इस कोरस को गाएं। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तू बड़े मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तू बड़े मैं घटूं मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। स्तुतियों के बीच में विराजमान यीशु, तू बड़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान यीशु, तू बड़े और मैं घटूं। तू बड़े मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तू बड़े मैं घटूं मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। हालेलुया, आप बड़े हम घटने पाए प्रभु, स्थिति परिस्थिति में आप बड़े हम घटने पाए। तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा उठाकर। तू बड़े मैं घटूं मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले यीशु। हालेलुया, ओ लॉर्ड तू बड़े, यस लॉर्ड, hallelujah, amen and amen। न बल से, न बुद्धि से, न ज्ञान से, पर तेरे आत्मा के द्वारा, amen। आए मंडली हम परमेश्वर के वचन में जाएं।
गंदी बातों में डूबे हुए थे, मोसेस ने एक ही बात कहा, कितने लोग परमेश्वर की ओर हैं, कितने लोग परमेश्वर के साथ हैं, वो अलग हो जाएं, और जो परमेश्वर के साथ नहीं है वो अलग हो जाए कहकर। ये चुनाव करने का समय है। आज आपको और मुझे परमेश्वर को चुनना है। मंडली, मैं आपको एनकरेज करता हूं, आज मैं आपको जोशुआ 24 के 15 से कुछ बातों को शेयर करना चाहूंगा। मंडली, जोशुआ का किताब कहता है, तुम्हारे आगे अच्छाई और बुराई है, आशीष और श्राप है, बंधन है, छुटकारा है। एक रास्ता जो तुम्हें आशीष की ओर ले जाता है, दूसरा रास्ता तुम्हें श्राप की ओर ले जाता है। तुम किसको चुनना चाहते हो, चुनो। तुम्हारे आगे मृत्यु है, जीवन है। व्हाट डू यू वांट टू चूज, चूज इट। जोशुआ कहता है, लेकिन मैं मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए मैं परमेश्वर को चुनूंगा। इसराइली लोग, तुम किसको चुनना चाहते हो, चुनो। चुनाव आज भी सेम है। आप किसको चुनना चाहते हैं मंडली? क्या आप आशीष को चुनना चाहते हैं या श्राप को चुनना चाहते हैं? बंधन को चुनना चाहते हैं या छुटकारा को चुनना चाहते हैं? पाप को चुनना चाहते हैं या धार्मिकता को चुनना चाहते हैं? आज आपके आगे भी दो रास्ते हैं। एक रास्ता जो आपको स्वर्ग तक पहुंचाएगा, दूसरा रास्ता आपको और मुझे नरक तक पहुंचाएगा। व्हाट डू यू वांट टू चूज? आप बीमारी को चुनना चाहते हैं या चंगाई को चुनना चाहते हैं? आप आशीष को चुनना चाहते हैं या श्राप को चुनना चाहते हैं? चुनाव हमारा है। चुनाव बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में मंडली। चुनाव एक दिन प्रतिदिन के दौर में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। हमें चुनाव करना पड़ता है। चुनाव की वजह से ही आज मैं यहां पर हूं, और आप भी जहां कहीं हैं, इट्स ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ योर चॉइसेस। आपने चुनाव किया, इस वजह से आप वहां पर हैं। मैंने भी चुनाव किया, इस वजह से मैं यहां पर हूं। मैंने मेरे जिंदगी में कई सारी बातों का चुनाव किया, अच्छी बातों का चुनाव किया, जिससे मुझे कई सारी बातों को सीखने के लिए मिला। मैं आज यहां पर हूं। तो कई सारे गलत चुनाव को भी मैंने मेरे जिंदगी में किया, जिस वजह से कि मैंने कई सारी बातों को सीखा। आप भी शायद आपके जिंदगी में कई सारी अच्छे चुनाव की वजह से आप वहां पर हैं, तो कई सारे गलत चुनाव की वजह से भी आपने आपके जिंदगी में कई सारी बातों को सीखा है। चुनाव परमेश्वर ने हमारे अंदर उत्पत्ति से ही डाल दिया कि हम किस चीज को चुनना चाहते हैं। चुनो, तुम्हारे आगे कई सारी बातें हैं, दो प्रकार की चीजें हैं, तुम किसको चुनना चाहते हो, चुनो। परमेश्वर ने दो ऑप्शंस हमेशा हमारे आगे रखा। परमेश्वर जबरदस्ती करने वाला परमेश्वर नहीं है। उन्होंने हमेशा हमारे आगे चुनाव को रखा, उत्पत्ति से ही उन्होंने चुनाव को रखा, और वो कहते रहे कि मैं चाहता हूं कि तुम जीवन को चुनो। परमेश्वर हमेशा ये चाहते थे कि हम जीवन को चुने, हम जीवन को चुने। दिन प्रतिदिन के जीवन में हमारा भी चुनाव वैसा ही होता है। उदाहरण के तहत, जब हम सुबह उठते हैं तो बिछोने से ही हमारा चुनाव शुरू हो जाता है कि मैं सुबह जल्दी उठूं या ना उठूं। उठने के बाद में भी अब मैं बिछोने से उतरूं या ना उतरूं, ये चुनाव करना पड़ता है। उतरने के बाद में भी फिलहाल मैं अभी ब्रश करूं या ना करूं। फिर ब्रश करने के बाद में हमारा चुनाव यह होता है कि मैं चाय पीऊं या ना पीऊं। फिर चाय में भी दो प्रकार के ऑप्शन आते हैं कि मैं दूध वाला चाय पीऊं या लाल चाय पीऊं। सो इन सारे चुनाव को आपको और मुझे करना पड़ता है दिन प्रतिदिन के जीवन में। फिर उसके बाद में हम ये कहते हैं कि ओ, मैं काम पर जाऊं या ना जाऊं। सो मेनी चॉइसेस वी मेक। कई सारे चुनाव को हम करते हैं, और वो चुनाव हमारा दिन काटने में हमें मदद करता है। चुनाव की वजह से साल कटता है, चुनाव की वजह से जिंदगी भी कटता है, चुनाव की वजह से ही हमारा जीवन है, चुनाव की वजह से आज आप और हम हैं इस पृथ्वी पर। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि हम और भी कुछ चुने, जीवन को चुने, आशीष को चुने, चंगाई को चुने, धार्मिकता को चुने, यीशु को चुने, स्वर्ग को चुने, पवित्रता को चुने। आज संसार में पाप ही पाप बढ़कर जा रहा है। आज संसार भर में नाना प्रकार की चीजें लुभाने वाली बातें हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम जीवन को चुने, आशीष को चुने, छुटकारे को हम चुने। चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्पत्ति में ही हम देखते हैं आदम और हवा ने चुनाव किया,
कई सारी बातों का उन्होंने चुनाव किया, लेकिन जिंदगी में एक ऐसा चुनाव उनके जीवन में आया कि जिस चुनाव के समय में उन्होंने परमेश्वर को याद नहीं किया। इन देयर चॉइसेस गॉड वॉज नॉट देयर। हो सकता है हम कई बार अपने जिंदगी में अच्छी बातों का हम चुनाव करते हैं, हमारे सोच विचार से हमें लगता है कि ओ वी चूज गुड, हमने अच्छा चुनाव किया, लेकिन याद रखें कि उस चुनाव में क्या यीशु मसीह है, क्या पवित्रता है, क्या परमेश्वर है, क्या पवित्र आत्मा है उस चुनाव में, क्या यीशु मसीह है, क्या परमेश्वर का वचन आधारित है वो चुनाव। हमें इन सारी बातों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। हमारे जिंदगी में जो कुछ भी छोटी से छोटी चीजों में परमेश्वर को याद रखकर हम चुनाव करेंगे, हम जरूर सफलता पाएंगे, हम जरूर आशीष पाएंगे, हम परमेश्वर तक पहुंच पाएंगे। परमेश्वर को रखकर ही हमारी जिंदगी में हमें सभी चीजों का चुनाव करना जरूरी है। जिस प्रकार से जोशुआ कहता है, मैं मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए मैं परमेश्वर को चुनूंगा, मैं मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए मैं परमेश्वर की सेवा करूंगा, आपको और मुझे भी मंडली वैसा ही चुनाव करना है इन दिनों में। आज संसार भर में जो कुछ भी हो रहा है, ये चुनाव का समय है। हर समय हमें चुनना जरूरी है, हर समय हमें अच्छा चुनाव करना जरूरी है। सिर्फ अच्छा नहीं, लेकिन परमेश्वर को याद रखकर हमें चुनाव करना जरूरी है, प्रार्थना कर कर चुनाव करना जरूरी है। हर बातों के लिए, चाहे वो आत्मिक हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, इन एवरीथिंग वी नीड टू चूज गुड विथ गॉड। परमेश्वर यही चाहते हैं मंडली। मैं आपको एनकरेज करता हूं, जीवन को चुनते रहे। मैं आपको एनकरेज करता हूं, चंगाई को चुनते रहे। मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं, स्वर्ग को चुनते रहे, जो वो इटर्निटी है उसको पकड़े रहे, उसको थामे रहे। मंडली, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। वो आज संसार के आगे कई सारी बातों को रख रहे हैं, लेकिन जो बुद्धिमान है, जिनका आत्मिक कान खुला है, जिनका आत्मिक आंख खुला है, वो इन चुनाव को, स्वर्गीय चुनाव को, परमेश्वर से आया हुआ चुनाव को वे लोग इस्तेमाल करेंगे, चुनाव करेंगे, उस चीज को वे लोग चॉइस करेंगे। परमेश्वर चाहता है कि हम जीवन को चुने, परमेश्वर चाहता है कि हम जीवन को चुने, परमेश्वर चाहता है कि कोई भी नाश ना हो परंतु सब कोई अनंत जीवन पाए। चॉइस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वन टू